आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश जरूर एक दिन रंग लाएगी। सो हेलो गाइस, मुर्गन सर आप देख रहे हैं आपका चैनल इंग्लिश मीडियम। तो आज अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, है ना। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्या कहता है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि ये जो मेरा प्रॉब्लम दिया हुआ है, इन प्रॉब्लम्स का मुझे मतलब इन प्रॉब्लम्स से मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है। फिर उसको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरा निकल जाएगा है ना, उसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूँगा। ओके, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो प्रॉब्लम में क्या है। द कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स पर आर एस 3800। लेटर सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स पर आर एस 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इज बैट एंड बॉल। हम बैट और बॉल का कॉस्ट निकालना है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ बैट है ना, हम मान के चलते हैं बैट का कॉस्ट यानी बैट का जो दाम है वो एक्स और बॉल का जो कॉस्ट है वो वाई है ना, मतलब लेट करके चलते हैं। ओके, तो देखो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट 6 बॉल। 7 बैट यानी 7 बैट, बैट का रेट कितना है एक्स है ना, तो 7 बैट यानी 7x, 6 बॉल, 6 बॉल, बॉल यानी वाई 6y है ना, इनका मिलाकर कितना रेट में वो खरीदा था 3800 है ना। 7 बैट 6 बॉल का मतलब इतना रेट में है ना, ये इक्वेशन 1। फिर वो बाद में कितना खरीदे 3 बैट यानी 3x है ना, एंड 5 बॉल, 5 बॉल, बॉल यानी y है ना, कितना रेट में 1750। ये मेरा इक्वेशन 2। तो देखो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल चुके हैं ना, अभी हम क्या करेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करेंगे। कर लेते हैं, ये तो हमें पता है ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, ओके इस इक्वेशन 1 से एक्स का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। ओके, अगर मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी सबको उधर भेजना पड़ेगा है ना, एक्स को एक साइड और बाकी सबको एक साइड। तो एक्स इक्वल टू मेरा कितना होगा, देखो सबसे पहले तो इधर क्या है 3800 है ना, देन प्लस 6y को मैं उधर भेजूंगा तो माइनस 6y, देन 7 इधर मल्टीप्लाई में था x के साथ है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड है ना, ये 7 को उधर भेज दिया तो ये डिवाइड आ गया, और x x सिर्फ इधर भेज मतलब बचा है ना, x ही सिर्फ बचा, मतलब हमें x का वैल्यू चाहिए था इसीलिए हमें x को एक साइड और बाकी सबको एक साइड, तो x का वैल्यू मिल गया। अभी क्या करूँगा, अभी इस x का वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा यानी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो अभी पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इसको पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x, 3x, एक्स को बदले अभी जो मिला x का वैल्यू है ना, 3800 माइनस 6y, देन देख 3x के लिए हो गया, देन प्लस 5y, प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 3/1 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 को हम इससे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को 3800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 8 24 से 4 2 3 3 9 11 है ना, 11 00। देन 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 है ना, हो गया। देन 1 को 7 से नीचे वाला को 7 नहीं होगा, देन इधर प्लस 5y और इधर 1750 है ना। तो अभी क्या करेंगे, देखो अभी इससे इसके बाद अभी कौन सा स्टेप कर सकते हैं, देखो हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं ना, 5 के नीचे 5y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान के चल लेते हैं, तो इसको एलसीएम ले लेंगे इसका। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 7 होगा है ना, 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, देन 1 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा है ना, 1 40 माइनस 18y है ना, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ना। अभी देखो अभी 7 को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 है ना, 35y, ये मेरा 18y,
ओके, और इधर इक्वल में 1750, 1750। फिर अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू, देखो इस 7 को उधर भेज देते हैं, इधर 7 डिवाइड में इक्वल का उधर जाएगा तो 1750 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो इसका साइन जो चेंज होता है, इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, है ना। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इधर क्या होगा, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1750 इंटू 7, 7 5 जा 35 से 5 कैरी 3, 7 7 49, 50 52, देन 1225 है ना, इतना हो गया। अभी इधर इधर देखो, इधर क्या करेंगे, 1400 और माइनस 18y प्लस 35y इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, देखो प्लस 17y है ना, माइनस 18y प्लस 35y तो प्लस 17y होगा। अभी 17y को इधर ऐसे ही रख देंगे, फिर इसको उधर साइड उधर भेज देते हैं। ओके, तो 1250 से इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 1400, तो इसको माइनस करते हैं तो 0 इधर, 5 इधर, 8 है ना, इतना होगा। देन 17y इक्वल टू मेरा कितना निकला, 850 है ना, तो मुझे y का वैल्यू चाहिए तो y इक्वल टू, तो 17 उधर भेज देते हैं, तो उधर 17 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो 17 को कैसे कटा सकते हैं, 17 माइनस 17, 17 17 5 जा 85 है ना, हाँ 75 जा 85, तो 50, तो y इक्वल टू मेरा कितना हो गया, y इक्वल टू 50 है ना। देखो अगर y मेरा कितना कितना मतलब कितना आया मेरा y, 50 आया है ना। देखो y का वैल्यू मिल गया, तो y का इसी वाला वैल्यू को हम x का यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, तो x का भी वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो इसको पुट, तो देखो y का ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ओके, तो अभी देखो ये क्या है, x इक्वल टू इतना है ना, और यहाँ पे y भी है, तो मैं y का इसी वाला वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। तो देखो x इक्वल टू मेरा कितना होगा, 3800 माइनस 6y, y के बदले y का अभी जो वैल्यू मिला है ना 50, y इक्वल 50, देन डिवाइड में 7। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x का वैल्यू मिल जाएगा, तो 3800 माइनस 6 5 जा 300 है ना, डिवाइड में 7। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो 3800 300, तो 3500 डिवाइड में 7, और 7 5 जा 35 है ना, तो 500, 500। तो एक्स का वैल्यू मुझे क्या क्या मिल रहा है, 500 है ना। तो एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा क्या था, बैट का था, है ना, तो बैट का कॉस्ट मेरा कितना है 500, और वाई मेरा क्या था बॉल का, तो वाई मतलब बॉल का कॉस्ट कितना है 50 है ना। तो कॉस्ट ऑफ बैट मेरा कितना हो गया 500, देन कॉस्ट ऑफ बॉल मेरा कितना हो गया 50 हो गया, है ना। ये रहा इसका फाइनल आंसर, है ना। अभी हम इसका